भाई ये बंदा मेरे लिए रुका भी नहीं। देखो गाइस अब देख सकते हैं हमारे अफगानी भाई, इसको क्या बोलूं भाई, इसमें बटर देख रहे हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोइंग लाइफ, और मैं आपके साथ आपका दोस्त यशवर्धन। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो यार मेरे को तो हो रहा है जुकाम थोड़ा थोड़ा। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मैं चला गया था सुबह स्कूटी पे सीपी, किसी काम से गया था कनॉट प्लेस। तो भाई मैं चला गया, फुल स्लीव टी शर्ट में गया था, पर भाई जो सुबह ठंड थी, मतलब दिवाली के बाद भाई इतनी ठंड बढ़ गई है दिल्ली में बहुत ज़्यादा। पॉल्यूशन तो है लेकिन भाई ठंड उससे ज़्यादा है यार, सच में यार आप देख सकते हो। सुबह शाम को तो बहुत ठंड है, तो मैंने अब शाम को निकाल ली जैकेट क्योंकि भाई बाहर ठंड है काफ़ी ज़्यादा। तो आपने मेरा लास्ट टू लास्ट ब्लॉग देखा होगा, फ्लेवर्स चाप वाला, तो मैं आपको गोल मार्केट लेके गया था चाप के लिए। तो मैं आज आपको गोल मार्केट लेके जा रहा हूँ फिर से, लेकिन इस बार चाप खाने नहीं जा रहे हैं, इस बार जा रहे हैं हम कबाब एंड रोल वाली शॉप पे। तो वहाँ पर पवन ने मुझे बताया था कि यार वहाँ के ना मोमोज बहुत टेस्टी हैं, तो चलते हैं। मैंने कहा चलो फिर ट्राई करते हैं कितने टेस्टी है। तब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा कि भाई टेस्टी है कैसे है। तो और हाँ, आज तीन चार दोस्त भी फ्री थे तो हमने कहा चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं शाम को। तो शाम के बज रहे हैं 8, और बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं गोल मार्केट। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोल मार्केट, और आप देख सकते हैं आज पूरी टीम हमारी। पीछे मानशु भाई आई, मानशु भाई यार कहाँ जा रहे हो आप? देखो आज हिमांशु भाई आए बड़े दिनों बाद। क्या मतलब आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हिमांशु भाई को क्षेत्र संस्कृति वाला कनॉट प्लेस का, उसके बाद से हिमांशु भाई थोड़े हो गए थे बिजी, बस आज फ्री हो गए हैं। देखो आपको ले चलते हैं हम अपने एरिया में गोल मार्केट में। तो भाई दोनों बिजी हैं, ये पवन और पीछे अंकित, मतलब भाई बिजनेस चल रहे हैं बहुत तगड़े। तो भाई आपने मेरा पिछला चाप वाला ब्लॉग देखा होगा, तो यार गोल मार्केट में कहता चाप खाने में बहुत टेस्टी थी। तो वहाँ पर उसी के सामने ना हमें कबाब एंड रोल्स वाला दिखा था, तो मेरे को पवन ने बताया था कि उसके तंदूरी मोमोज बहुत फेमस है। तो भाई तो आज तंदूरी मोमोज ही खाने जा रहे हैं, और ठंड तो वैसी है तो एकदम गर्मा गर्म निकल के सीधा खाएंगे भाई सच में। तो चलिए चलते हैं, मेरे को टाइम वेस्ट करें कबाब एंड रोल्स पे आइए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कबाब एंड रोल शॉप नंबर 27। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, काठी रोल, शोरमा, मुगलाई, तंदूरी मोमोज और चाइनीज़, लेकिन बेसिकली आज हम खाने आए हैं तंदूरी मोमोज। आप देख सकते हैं यार हिमांशु भाई और पवन मेन्यू पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मोमोज आज खाएंगे, लेकिन मैं इनका रवाना हुआ पानी फेरने वाला हूँ क्योंकि मैं करूँगा ऑर्डर और ये सिर्फ खाएंगे। ये देख सकते हैं आप मतलब कितने फोकस्ड हैं। दोस्तों मेन्यू देख के हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन कौन से मोमोज मंगाने हैं, और अब हम जा रहे हैं भैया के पास ऑर्डर देने। मतलब यार सबसे मुश्किल काम लगता है डिसाइड करना कि क्या मंगवाए क्या नहीं मंगवाए, बट हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन कौन से मोमोज मंगाने हैं। तो हम फटाफट अपने ऑर्डर देते हैं और ब्लॉग को करते हैं हम आगे। चलिए तो दोस्तों हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है एक प्लेट तंदूरी मोमोज वेज और एक प्लेट अफगानी मोमोज चिकन। आप देख सकते हैं मेरे पास बिल की रिसिप्ट पड़ी है। तो चलिए फटाफट हमारे जब तक ऑर्डर तैयार हो रहा है हम चलते हैं अपनी टेबल की तरफ, आइए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पवन के अफगानी मोमोज नॉन वेज वाले तैयार हो रहे हैं। भाई बटर भर के डाल देना। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके अफगानी मोमोज चिकन तैयार हो रहे हैं, और भैया भी इसमें मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं, फिर इसमें अफगानी क्रीम भी डालेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए। तो जब तक भैया इनके तैयार कर रहे हैं तब तक हम अपनी टेबल पे कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए तो ये हमारे अंकित भाई हैं, पर्सनालिटी देख रहे हो आप, टॉम क्रूज बच्चा है भाई के, इतना ज्यादा तब आ जाता भाई पे ट्रेनिंग लेने टॉम क्रूज। हाँ भाई टॉम क्रूज सॉरी, बताओ अंकित भाई बताओ। अंकित भाई अपना बहुत खास भाई है, जान है अपनी, मतलब पूरे ग्रुप में सबसे पढ़ा लिखा लड़का होगा, ये होगा ना तो यही होगा भाई। हिंदी में मैं कह रहा हूँ हिंदी में इसकी टक्कर ही ले सकते तुम। और बताओ हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको ही पढ़ाता है? इको ही पढ़ाता है, पर इको इतनी हाईलाइट करके नहीं पढ़ाता, इको कम पढ़ाता है। पर भाई मैं कह रहा हूँ 12 बंदों ग्रुप है ना बारे में, तो 12 एक साइड कर दो और इसको एक साइड कर दो, बस एक जगह मार खा जाता समाजवादी के साथ। तो दोस्तों फाइनली अफगानी मोमोज हो चुके हैं रेडी, भैया ने इसमें मसाला एंड क्रीम भी मिक्स कर दी है, ऊपर से आपने देखा ही होगा बटर डाला गया है। तो ये आ गए हमारी प्लेट में रख के हमारे अफगानी तंदूरी चिकन मोमोज। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों के मोमोज आ गए हैं, सबसे पहले आए हैं अफगानी चिकन तंदूरी मोमोज। तो मैं तो चिकन खाता नहीं हूँ, तो चिकन अफगानी तंदूरी मोमोज जो आए हैं वो टेस्ट करके बताएंगे हिमांशु भाई जो कि मेरे पीछे खड़े हैं। तो मैंने हिमांशु भाई को बुला लिया है,
तो ये वाले मोमोज जो हैं जो हिमांशु भाई और पवन टेस्ट करके बताएंगे, और जो वेज तंदूरी मोमोज आने वाले हैं वो मैं टेस्ट करके बताऊंगा क्योंकि आई एम वेजिटेरियन। भाई ये बंदा मेरे लिए रुका भी नहीं, देखो गाइस आप देख ही सकते हैं हमारे अफगानी भाई, इसको क्या हो गया भाई, इसमें बटर देख रहे हैं आप, मस्त है ना। चलो फटाफट मोमोज आने वाले हैं, लेकिन भाई मैं रुक नहीं सकता, मैं मजाक सुन के बहुत लालची हूं भाई खाने के चक्कर। आओ या आओ या मानसू आजा। तो अभी मानसू भाई और पवन टेस्ट करके बताएंगे इसका कैसा है। स्पून से भी आना होता है क्या भाई? देख रहे हो बटर आओ, ये होता बटर, देख के बेटर देख रहे खाने का तरीका होता है क्या। तो दोस्तों हिमांशु और पवन के बीच में हो गई थी मोमोज को लेकर लड़ाई। आप देख सकते हो हिमांशु ने अपनी तरफ पूरी मोमोज की प्लेट कर ली है और अब पवन ने मोमोज की प्लेट अपनी तरफ ले ली है। मतलब ये लड़ते ही रहते हैं यार आपस में दोस्ती यारी में। तो चलिए इनसे पूछेंगे बाद में कि इनको टेस्ट कैसा लगा एंड में वीडियो की। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे तंदूरी मोमोज वेज रेडी हो रहे हैं। भैया ने इसके ऊपर मसाला डाल दिया है, नींबू डाल दिया है और बटर डाल के इसको कर दिया है मिक्स। तो चलिए फटाफट भैया से मोमोज लेते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि मोमोज का टेस्ट कैसा। तो दोस्तों फाइनली मेरे तंदूरी वेज मोमोज आ चुके हैं जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। यार वैसे सही बताऊं तो देखने में तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब टेस्ट करके पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो फटाफट हिमांशु भाई मेरे लिए फोक लेके आ रहे हैं, फिर मैं फोक से इसको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों हिमांशु भाई मेरे लिए फोक ले आए हैं और अब मैं जा रहा हूँ तंदूरी मोमोज वेज टेस्ट करने। आप देख सकते हो यार इसका साइज़ कितना ही बड़ा है, ये देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे वेज तंदूरी मोमोज, इसके अंदर आप बटर देख सकते हैं और यार ये बहुत क्रिस्पी हो रखे हैं। तो खाने में मुझे इसका क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा लगा यार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यार किस तरीके से मैं तंदूरी मोमोज खा रहा हूँ यार, सीरियसली मुझे यार इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। देखो अफगानी मोमोज तो मैंने टेस्ट नहीं करे तो उसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे तंदूरी वेज मोमोज बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन हाँ यार इसमें थोड़ा बटर कम है। आप देख सकते हो यार मेरे फेस के रिएक्शन देखकर ये बंदा भी आ गया है तंदूरी वेज मोमोज टेस्ट करने। मतलब इसका अफगानी से पेट तो भर गया था, लेकिन इसने कहा यार मैं वेज मोमोज भी टेस्ट करूँगा। तो मैंने कहा चल टेस्ट कर ले यार वेज मोमोज। तो पवन कर रहा है अब तंदूरी वेज मोमोज टेस्ट, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों फाइनली अपने मोमोज फिनिश करके हम लोग निकल गए थे कबाब एंड रोल शॉप नंबर 27 से अपने घर की तरफ। लेकिन यार बीच में जाते जाते कुछ मिसिंग सा लग रहा था, वो मिसिंग लग रही थी हमारी कोका कोला। माना कि ठंड डोरी, लेकिन यार हमारा बहुत मन करता है वो बोला पीने के लिए। मैंने इनको बोला कि यार तुम लेके आ जाओ, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे भेज दिया। तो देख सकते हैं आप मैंने ले लिया कोका कोला। आप फटाफट बिल पे करके चलते हैं इसका जल्दी से। दोनों भाई साहब खुल खुल कर रहे हैं, देखो ये दोनों खुल खुल कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक है हाथ में क्या माजू तेरे, ये देखो ये इनको जुकाम हो रहा है भाई साहब को, खांसी हो रही है जुकाम हो रहा है, फिर भी पी रहा है, क्यों पीऊंगा भाई, देख रहे हो भाई फिर भी लगे बड़े मानसू भाई, देखो ये देखो ये अगला बंदा बिल्कुल एकदम वेंटिलेटर पे जाने की वो है इसकी फिर भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं कबाब एंड रोल वाली शॉप से और मैंने तंदूरी मोमोज खाया, मुझे तंदूरी मोमोज बहुत अच्छे लगे, लेकिन यार उसमें ना थोड़ा बटर कम था यार, तो मेरे को बटर की थोड़ी कमी लगी। बाकी तंदूरी मोमोज बढ़िया थे यार, उसकी मेयोनीज भी अच्छी थी, बटर था बट कम था, लेकिन मेरे को सच में तंदूरी मोमोज बहुत अच्छे लगे। तो अब मैं पूछूंगा हिमांशु से और पवन से कि उनको अफगानी मोमोज कैसे लगे। तो पहले हिमांशु से पूछूंगा भाई आपको अफगानी मोमोज कैसे लगे, बिल्कुल सच बताना है ठीक है। तो भाई बात ऐसा है कि मेरे को पता था वहाँ पे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, बट पहाड़गंज सॉरी आरामबाग से कुछ टट्टू आए थे जिन्हें नहीं पता था क्या अच्छा है क्या नहीं, उन्होंने अफगानी मोमोज पिलवा दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास मोमोज था, क्या ही कहें। तो भाई हिमांशु भाई को अफगानी मोमोज अच्छे नहीं लगे, तो मैं पवन से पूछता हूँ भाई क्योंकि इसमें ऑर्डर कर तो ये बेलदार जा रहा है मजदूरी पे, तो मजदूर पहले तो ये बताओ तुझे अफगानी मोमोज कैसे लगे। भाई तेरे को मेरा फंडा पता है, जो मिल जाए मेरे को बेटर में मैं तो वो जला लेता हूँ, पर फिर भी एक टेस्ट तो होता ही है। लेकिन देखो अफगानी ना चिकन अच्छा लगता है मोमोज, तो तूने फिर अफगानी मोमोज का ऑर्डर दिया क्यों था पहले ये बता। मैं नई चीज लगी भाई अफगानी, मैं सो अफगानी भाई अफगानी बैग गया तो इसके अफगानी के चक्कर में हिमांशु भाई ने बहुत सफर करा आज
तो दोस्तों यार मैं आ गया हूँ अपने घर की तरफ और मैं बैठा हूँ अपनी गली में। तो आज हम लोगों ने मोमोज खाया और सच में यार देखो मैं अपनी मतलब तंदूरी मोमोज मुझे बहुत अच्छे लगे, बस थोड़ा बटर कम था उसमें, लेकिन तंदूरी मोमोज मुझे बहुत अच्छे लगे। जहाँ तक बात है इन लोगों की, तो भाई इन लोगों ने पहले कभी अफगानी मोमोज नहीं खाए थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे थे तो इनको नहीं अच्छा लगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हिमांशु भाई पवन का बहुत कोसा भाई, तुमने क्या खिला दिया मेरे को, बट मैं बताता हूँ मेरे को तंदूरी मोमोज अच्छे लगे। तो हाँ मैं आपको प्राइस बताया, तो अगर आप कभी यहाँ पर आओ तो मैंने खाया था तंदूरी वेज मोमोज, तो उसका प्राइस था 150 प्लेट, और जो इन्होंने खाया था उन्होंने खाया था अफगानी चिकन मोमोज जिसका रेट है 190 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, हाँ आओ एक ऐसे गोल मार्केट में है और तो नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगी आर के आश्रम। ठीक है, तो आर के आश्रम या कभी कनॉट प्लेस घूमने आओ तो आपको रायचौक नियर मेट्रो पड़ सकती है, बट आर के आश्रम ज्यादा नियर पड़ेंगी। तो इसी के साथ ब्लॉग को करता हूँ एंड, होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आए के ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नए आंकड़े के साथ, तब तक के लिए हर महादेव।